हाल ही में पाचपौली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी हुए ई रिक्शा को बरामद किया और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरा और पीला रंग का तीन पहिया वाला ई रिक्शा शिकायतकर्ता के घर के बाहर से चोरी हो गया था। इस वाहन की कीमत 90,000 बताई गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को घर लाने की बाद यह ई रिक्शा घर के सामने पार्क किया था, लेकिन जब वह वापस आया तो ई रिक्शा गायब था। शिकायतकर्ता ने ई रिक्शा चोरी की सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने तकनीकी माध्यमों और गुप्त सूचनाओं का उपयोग करते हुए चोरी हुए वाहन और अपराधियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने न केवल ई रिक्शा बल्कि एक और चोरी की गई गाड़ी भी बरामद की। यह हीरो कंपनी की डार्क ग्रे कलर की पैशन बाइक थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH49P8680 था। कुल मिलाकर बरामद किए गए वाहनों की कीमत लगभग 1,85,000 है। आरोपी की पहचान 18 वर्षीय एलेक्स सचिन भोयर के रूप में हुई है, जो माहड़ा कॉलोनी नागपुर का निवासी है। उसे भारतीय दंड संहिता धारा 303(2) के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को सबूतों और गवाहों के आधार पर पकड़ा गया और उसे नागपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 5 में पेश किया गया। इस मामले की जाँच वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें पुलिस आयुक्त और लकड़गंज डिवीजन के उपायुक्त शामिल है। पाचपौली पुलिस स्टेशन की टीम जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक रंजीत मजगावकर और सहायक उपनिरीक्षक शामिल थे, इन्होंने मामले को सुलझाया। अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।